अम्बाला फास्ट न्यूज में मैं मंजू वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। नवी से लेकर 12वीं तक के 15 अक्टूबर से खुल रहे हैं स्कूलों को लेकर स्कूल प्रशासन एहतियात बरत रहा। वहीं समाज सेवी संस्थाएं भी स्कूली बच्चों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए देसी काढ़ा वितरित कर रहे। उनका कहना है कि इस काढ़े से पीने से जहां कोरोना का संक्रमण दूर होगा वहीं कोरोना महामारी पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगा। बच्चों का कहना है कि इस काढ़े से सेवन कोरोना संक्रमण से बचाव होगा। आज हमारे स्कूल में ये आयुष काढ़ा बांटा गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोविड बहुत बढ़ चुका है, इसके करके हमारे विद्यार्थी प्रशासन ने हमें पूरे स्कूल में ये आयुष काढ़ा बांटा गया है, जिसे पानी में उबाल कर पिया जाता है, जिससे कोविड कम होने की या कोविड ना होने की संभावना बनती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि देश विदेश में पिछले 6 महीनों से कोविड-19 इतना तेज़ी से फैल रहा है कि वो अब हमारे हरियाणा में भी उसके मरीजों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके कारण आज हमारे स्कूल में ये काढ़ा बांटा गया है। इसे पानी में उबाल कर पीने से हम कोविड-19 के लक्षण से बच सकते हैं। मैं डीवी सेकेंडरी स्कूल में साइंस टीचर हूँ। आज हमारे विद्यालय में कोविड-19 से बचाव के लिए बच्चों को जो है हाथ काढ़ा बांटा गया, क्योंकि कोविड-19 जो है वो सारे देश में क्या विदेश में सब जगह बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और उधर से प्रशासन के ये आदेश हैं कि विद्यालय में बच्चों को भी कुछ समय के लिए बुलाया जाए ताकि बच्चे विद्यालय के लिंक में रहें। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे विनय गोयल जी हैं लाल पिंजर तोपखाना बाजार से, उन्होंने हमारे सभी बच्चों को आज को हाथ काढ़ा बांटा है यहाँ पे, और मैं उनका विद्यालय प्रशासन की ओर से तहे दिल से धन्यवाद। इस काढ़े से हम कोविड-19 के प्रकोप से बच सकते हैं। इसको उबाल के पिया जाता है। हमने ये भी सारे बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कैसे इसको पीना है, कैसे इसको यूज़ करना है, तो इससे कोविड-19 के प्रभाव से बच्चे बच सकते हैं जो किसी भी कारण से आते जाते या किसी संक्रमण से अगर प्रभावित हो रहे हैं तो।